Dear students, good morning. I hope all are fine. बेटा, English की book Weaver के अंदर कल अपनी previous class में हमने chapter 1 Pop Goes the Whistle ये एक song से related lesson है बेटा, ये समझा था. इसके अंदर क्या था बेटा कि आपको starting में कुछ actions के बारे में बताया गया है कि एक्शंस क्या होते हैं. बेटा एक्शंस क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे किसी काम को शो करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. तो जो काम को शो करने के लिए जो वर्ड का यूज होता है ना, वो एक्शन वर्ड्स होते हैं बेटा. ठीक है, ये कल आपने अच्छी तरह से समझा होगा. जैसे कि आप खेलते हैं, नहाते हैं, बाथिंग करना, ये सब बेटा एक्शन वर्ड्स में आते हैं. रीडिंग करना, राइटिंग करना, स्टडी करना, सब बेटा. आप देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है ये पूरा ही, इसके अंदर बेटा पूरा ही जो पीछे जो एक्सरसाइज है वो सारी ही इसी सॉन्ग के ऊपर, इसकी टून के ऊपर, ये एक्टिविटी बेस्ड है बेटा. ठीक है, इसको बस आपको समझना है अच्छी तरह से. इसमें लिखने का, याद करने का ज़्यादा नहीं है बेटा, इसमें केवल समझने का है. आप देखिए बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं पेज नंबर 2 के ऊपर. आंसर दीज क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर योर टीचर विल यू शो. तो बेटा पिक्चर जो शो की गई है उसके अंदर कि टीचर ने जो आपको दिखाई है उसके अंदर देखिए, विच पिक्चर शोज ए विशल, विशल की कौन सी पिक्चर दिखाई गई है बेटा. तो बेटा जो हम सॉन्ग गा रहे हैं ना, जो सॉन्ग हमने इसमें बताया है, मैंने कल आपके ये वर्क में भी दिया है, तो उस सॉन्ग के अंदर जो पिक्चर शो हो रहे, हम इमेज करेंगे उस सॉन्ग को गाकर, उसकी टून उसे सुनकर, और हम अपने दिमाग में, ब्रेन में उसको इमेज बनाएंगे कि इसकी क्या पिक्चर है. ठीक है, तो बेटा उसके बारे में बताना है कि इसके अंदर जो वी शेल, जो एक स्मॉल बर्ड, जो स्मॉल एनिमल है, इसकी पिक्चर कैसी है. ठीक है, तो बेटा देखिए, विच पिक्चर शोज ए विशेल, विशेल की इसमें पिक्चर क्या है, थ्री फिंगर्स. मैंने आपको बताया था 1 2 3 मींस वन जो है ए, वन फिंगर ए, टू फिंगर्स जो है वो बी, थ्री फिंगर जो है वो सी. ठीक है, और इस तरह से बेटा ये हमारी फिंगर्स यूज हो रही हैं इसमें. ठीक है, तो इसमें जो बर्ड की, जो जो एनिमल की जो पिक्चर है ना वी शेल की, वो थ्री फिंगर्स शो करती है. ठीक है, सी, थ्री फिंगर्स सी. ठीक है, तो ए का जो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, इसका जो ए पार्ट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थ्री फिंगर्स. और थ्री फिंगर्स किसको, सी के लिए, थ्री फिंगर्स के लिए क्या है, सी. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इज द वीशेल ए लार्ज एनिमल, क्या वीशेल एक लार्ज एनिमल है इसमें, नहीं बेटा, जो वीशेल है ना ये वेरी स्मॉल एनिमल है, स्मॉल एनिमल. कैसा है ये, स्मॉल एनिमल. अब बेटा देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर दे रखा, सिंग द लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग दैट टॉक अबाउट द पिक्चर ऑन द राइट. क्या कि जो हमने सॉन्ग गाया है, जो मैंने आपको सॉन्ग दिया था, जो गाकर बताया था आपको, उसके अंदर बेटा क्या कि ये जो पिक्चर दी ना राइट में, जैसे थ्रेड और ये नीडल वाली, इसके लिए कौन सी लाइन यूज हुई है. तो बेटा आपने पढ़ा होगा उसमें, उसमें एक लाइन आई थी सेकंड में, देखिए एक तो लाइन आई थी, ए रुपी फॉर ए स्पूल ऑफ थ्रेड. फर्स्ट लाइन क्या आई थी, ए रुपी फॉर ए स्पूल ऑफ थ्रेड. ठीक है, उसमें आया था क्या, एक रुपया किसके लिए, जो थ्रेड आता है ना, थ्रेड का जो बंडल सा, उसके लिए एक रुपया. सेकंड क्या था बेटा, इसमें बेटा देखिए एक सुई दिखा रखी है, और नीडल के लिए भी एक यूज हुई थी, ए रुपी फॉर ए नीडल.
A rupee for a needle. एक सुई के लिए एक रुपया, ठीक है? नीडल के लिए भी एक रुपया और थ्रेड के लिए भी एक रुपये बेटा, ये इसमें यूज हुआ है। फिर बेटा नेक्स्ट थर्ड वाला, लिसन टू ए साउंड केयरफुली, ठीक है? कोई साउंड है बेटा, उस साउंड को आपको क्या करना है, केयरफुल होकर सुनना है। इज इट ए सॉफ्ट साउंड और ए लाउड साउंड, और वो साउंड सॉफ्ट है या लाउड है आपको ये बताना है, ठीक है बेटा? आप बेटा साउंड आपने सुनी होगी, आप साउंड सुनते हो, थर्ड कोई भी साउंड आप सुनिए, जैसे कि गाड़ी चलती है, कोई स्कूटर या बाइक चल रही है, ठीक है? आपने साउंड सुनी, स्कूटर की सुनी, बाइक की सुनी, कार की सुनी, तो किसी के घर में कार होती है, किसी के घर में स्कूटर है, या कोई भी चीज, या आप कोई बैलून फुला रहे हैं, उसकी वो एकदम से फूट जाता है, फुला रहे एकदम से फूटता है, तो उसकी साउंड कैसी होती है बेटा? तो बेटा जब कार या स्कूटर की आप साउंड सुनते हैं तो इनकी साउंड कैसी होती है? लाउड साउंड। कैसी होती है? लाउड। बैलून बेटा एक छोटा सा बैलून है, बैलून क्या है? छोटा सा है, ठीक है? लेकिन ये एक स्मॉल सा बैलून होता है, ठीक है? लेकिन जब ये एकदम से फूटता है, ब्रस्ट होता है, तो क्या होता है, इसकी साउंड जो होती है ना वो लाउड होती है, तेजी से फूटता है, एकदम भ्राम बोलता है, ठीक है? पॉप की आवाज करते हैं, भ्राम एकदम से ऐसे फूटता है। ऐसे ही बेटा दीपावली पर आपने क्रैकर्स चलाते हैं, पटाखे जो चलाते हैं बेटा, उनकी साउंड भी कैसी होती है? लाउड साउंड, ठीक है? लेकिन बेटा जब हम कोई स्लो कोई गाना गा रहे होते हैं, तो स्लो जब गाना गाते हैं, म्यूजिक आप सुनते हैं ना स्लो स्लो, तो वो क्या होता है, उसकी साउंड कैसी होती है बेटा? सॉफ्ट साउंड, स्लो म्यूजिक। लेकिन जब मान लीजिए शादी वगैरह में जब क्या बजा देते हैं, जो हमारा डीजे बजता है, डीजे की साउंड जब शादी वगैरह में बजती है, तो ये कैसी होती है? लाउड साउंड, लाउड होती है। लेकिन जब घर में हमारे भजन वगैरह होते हैं ना, और बजाते, हम आरती पढ़ते हैं, देवी माता की आरती या भगवान की आरती पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, उस टाइम जब हम जो गाना सुनते हैं ना, उसकी साउंड कैसी होती है बेटा? वो होती है सॉफ्ट साउंड, ठीक है? हम भगवान की आरती कर रहे हैं बेटा, और आरती के समय जब हम जो गाना गाते हैं ना भगवान के लिए, उसकी साउंड कैसी होती है? सॉफ्ट साउंड, आरती की आवाज, जो हम भगवान के लिए गाते हैं वर्षित पूजा के टाइम, वो होती है बेटा सॉफ्ट साउंड। जब एक बेबी बोलता है, बेबी की आवाज कैसी होती है बेटा? सॉफ्ट होती है, ठीक है? लेकिन जब बेबी रोता है तो उसकी साउंड कैसी बन जाती है? लाउड। जब एक बच्चा आराम से बोलता है तो बेटा वो हमारी सॉफ्ट साउंड होती है, लेकिन कई बच्चे जब इकट्ठे बोलने लग जाते हैं एक साथ, तो वो साउंड लाउड बन जाती है, ठीक है? तो आपको पता चल गया होगा कि सॉफ्ट और लाउड साउंड क्या होते हैं। इससे आपको क्या पता चला कि साउंड में डिफरेंस का पता चलता है कि कुछ साउंड सॉफ्ट होती है तो कुछ लाउड होती है। सॉफ्ट साउंड हमारे कानों को अच्छी लगती है, हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन लाउड साउंड हम सुनना पसंद नहीं करते। कई बार साउंड इतनी लाउड हो जाती है, हम अपने कानों में उंगली दे लेते हैं कि बहुत शोर हो रहा है, वो शोर बन जाती है फिर, ठीक है बेटा? आप देखिए बेटा, शो द साइजेस, क्या कि आपके पास में बेटा ये पिक्चर्स दी हुई हैं, शो द साइजेस ऑफ दीज यूजिंग वर्ड्स, दीज यूजिंग योर हैंड्स, इनकी क्या कि ये जो पिक्चर्स दी हुई है, इनको क्या करना, आपको इनको देखना, और ये जो घास है जैसे, इनकी साइज बतानी है, और साइज कैसे बतानी है बेटा, आपको अपने हाथों का यूज करते हुए, ठीक है? हाउ टाल इज द ग्रास, ग्रास कितनी टाल होती है लंबाई में ऊंची, तो आप कैसे करोगे बेटा, ग्रास की लंबाई आप कैसे बताओगे, हाथ से इतनी लंबी है या इतनी है, इतनी कोई ऐसे करेगा।
करेगा, कोई ऐसे करेगा इतनी लंबी है, ठीक है, कोई ऐसे करेगा इतनी लंबी है, ठीक है। तो आप इस तरह से बेटा क्या करोगे, हाथों का यूज करते हुए घास की साइज बताओगे, इतनी है या इतनी है या इतनी है, ठीक है। ऐसे बेटा देखिए, हाउ टाल इज ए प्लांट, एक बेटा पौधा लगा हुआ है, उस पौधे को देख करके आप बताओगे कि इसका साइज कितना है, कितना लंबा है, इतना है, इतना है या इतना है, ठीक है। आप देखोगे पौधे को और उसका साइज देखिए कि वो इतना है या इतना है, इतना है, कितना है। फिर थर्ड है बेटा, हाउ बिग इज ए बुश, बुश मीन झाड़ी और बिग मीन बड़ी, बड़ी मीन ऐसे विड्थ, चौड़ाई में बतानी है। टाल होता है तो लंबाई में और बिग होता है तो मींस आपको चौड़ाई में बतानी कि ऐसे कितनी है, वो ऐसे नहीं बतानी आपको, ऐसे बतानी है, ठीक है। हाउ बिग इज बिग ए बुश, बुश मीन झाड़ी, कोई झाड़ी है वो कितनी बड़ी है, तो आप क्या बताओगे, इतनी बड़ी है, इतनी है या इतनी है। आप उसे देखकर आप ऐसे कोई झाड़ी आ जाती तो आप क्या बताओगे कि इतनी है या इतनी है, आप हाथ से इशारा करोगे ऐसे, ठीक है, साइज के लिए इतनी है, इतनी है, आप उसको देखकर बता सकते हो। फिर हाउ बिग इज ए ट्री, अब जो ट्री होता है ना वो बिग, इतना कैसे है, वो नीचे का जो तना होता है ना वो कितना चौड़ा है वो बताना, तो आप ऐसे हाथों को ऐसे करके इतना है, ठीक है। तो बेटा ये हमें क्या बताता है, इससे हमें पता चलता है कि हम साइज को, किसी भी साइज को हम कैसे शो कर सकते हैं हाथों का इशारा करते हुए। इतना इतना मीन्स हम उसको साइज के अकॉर्डिंग हम हाथों को फैला भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा देखिए, ए पार्ट है नेक्स्ट पेज पर, लिसन टू द सॉन्ग वंस अगेन, एक बार से दोबारा आपको सॉन्ग सुनना है, सिंग अलोंग उसके साथ गाना है, योर टीचर विल आल्सो सिंग सॉन्ग अलोंग विद यू, और आपका टीचर भी आपके साथ वो गाना गाएगा जो आपका, जैसे ही गाना है पॉप गोज द बी शेल, पॉप गोज द बी शेल, ये आपको गाना है बेटा, ठीक है। एक बार फिर से, फ्रॉम ग्रुप ऑफ थ्री, अब बेटा क्या करना है बी पार्ट में कि आपको थ्री थ्री का ग्रुप बनाना है, ठीक है, तीन तीन बच्चों का एक ग्रुप हो, इन ईच ग्रुप वन पर्सन विल सॉन्ग वन वर्स ऑफ द सॉन्ग, और बेटा आपने देखा कि जो सॉन्ग था ना उसके अंदर हमारे थ्री वर्स थे, मीन्स तीन पहरे थे, और थ्री थ्री का ग्रुप है तो एक ग्रुप में से एक बच्चा, क्योंकि तीन का ग्रुप है और तीन ही पहरे हैं तो एक एक बच्चा एक एक पहरा गाएगा, ठीक है, ये दे रखा है इसमें बेटा। आप देखिए, When you sing, use your name and the name of your friend in the song. बेटा ये देखिए कि जब आप गाना वो गाते हो पॉप गोज द बी शेल, पॉप गोज द बी शेल, तो उसमें आपको क्या यूज करना है, अपने फ्रेंड्स के नेम यूज करने हैं। जैसे इसमें दे रखा है पॉप गोज द बी शेल, तो पॉप की जगह आप क्या लगा सकते हो, अपने दोस्त का नाम, ठीक है, आप अपने दोस्त का नाम यूज कर सकते हैं कि सनी गोज द बी शेल, ठीक है, जो भी आपका दोस्त है उसका नाम निखिल गोज द बी शेल, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर अपना भी नेम यूज कर सकते हो, आपका खुद का जो नेम है ना पॉप की जगह यूज कर सकते हो। इसके अलावा बेटा जो एडविक और जमीला है ना उसकी जगह पर भी आप अपना नाम यूज करके सॉन्ग को बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ एक बार, देखिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऑल अराउंड द मलबरी बुश द मंकी चेज द बी सेल, बेटा यहाँ पर मंकी की जगह आप अपना नाम यूज कर सकते हो या दूसरे बच्चे का भी, ठीक है। कौन मंकी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम है रजनी चेज द सुनीता, कुछ भी यूज करेंगे आप, ठीक है, इस तरह से जो आपके दोस्तों के नेम है। द मंकी थॉट दैट इट वाज ए जोक, मंकी ने सोचा कि ये क्या है, एक जोक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जैसे और आ रहा है एडविक्स,
जमीला, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना या अपने दोस्तों का नाम यूज करके इसको रीड करोगे, गाओगे बेटा, पढ़ोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा देखिए, ए पार्ट फिर से हमारा आ गया है, ये विच इज योर फेवरेट लाइन फ्रॉम द सॉन्ग। सॉन्ग में आपकी फेवरेट लाइन कौन सी, आपको कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई, ठीक है, वो देखनी आपको, वो लिखनी है। फिर बेटा ड्रॉ ए पिक्चर ऑन ए शीट ऑफ पेपर टू शो दिस लाइन। बेटा जो आपको लाइन सबसे ज्यादा उस गाने में पसंद आई ना, उस गाने की लाइन को आप पिक्चर के द्वारा शो करेंगे, ठीक है, एक पिक्चर बनाएंगे उस गाने के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, आस्क योर पार्टनर दीज क्वेश्चन अबाउट द सॉन्ग। अब बेटा देखिए, आपका जो पार्टनर है, जो आपका ग्रुप बना है, उसमें आप पूछोगे एक दूसरे से, डू यू लाइक द सॉन्ग, क्या तुम्हें सॉन्ग पसंद आया। अगर आपका पसंद आया है तो यस, नहीं आया है तो नो आंसर हो जाएगा। इज द सॉन्ग इजी टू सिंग, क्या सॉन्ग गाने में आसान था, आसान था वो जब गा रहे थे तो आसान लगा आपको, अगर आसान लगा तो आप लिखोगे यस, अगर नहीं लगा तो नो। डू यू लाइक द ट्यून, क्या आपको गाने की ट्यून जो धुन है वो पसंद आई, अगर अच्छी लगी तो यस, नहीं लगी तो नो, ठीक है। आप देखिए बेटा ये, डिड यू नो ए सॉन्ग दैट अदर्स इन योर क्लास डोंट नो, क्या कि क्या कोई आप एक ऐसा गाना जानते हो जो आपकी क्लास में दूसरे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है, एक ऐसा गाना जो और बच्चों को नहीं आता, आपको आता है वो गाना, ठीक है। द सॉन्ग में भी इंग्लिश और हिंदी, आपका सॉन्ग बेटा इंग्लिश में भी हो सकता है या दूसरी लैंग्वेज, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। फिर बेटा टीच इट योर फ्रेंड, और फिर उसे अपने फ्रेंड को भी टीच करवाओगे, ठीक है, उसको भी बताओगे इसके बारे में, उसे भी सिखाओगे। लर्न ए न्यू सॉन्ग फ्रॉम योर फ्रेंड, आप क्या जो आपको गाना आता है वो आप अपने दोस्त को बताओगे, उसे सिखाओगे, और जो दोस्त को आता है ना उसे आप सीखोगे। आपको अपने दोस्त से भी एक गाना सीखना और आपको सिखाना भी है, मीन्स इससे आपके दो गाने हो जाएंगे ना, ठीक है। तो बेटा ये आपका लेसन है, इसमें और कुछ भी नहीं बेटा, ये पूरा ही सॉन्ग के ऊपर डिपेंड है, इसमें जो पॉप गोज द विशल है, इसकी ट्यून के ऊपर, इसके एक्शंस के ऊपर डिपेंड है बेटा, ठीक है। इस लेसन में क्वेश्चन आंसर है बस तीन जो आपको लिखने हैं, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, केवल समझने का है, एक्टिविटी बेस्ड है बेटा, ठीक है, यही वर्क है बेटा, आपको यही समझना है। थैंक्स बेटा।